देखिए इस वीडियो में मैं आपको अनब्रोकन अमेरिकन मूवी के बारे में बताऊंगा जो सन 2014 में आई और पूरी तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया ये एक अमेरिकन वॉर फिल्म है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की कहानी को दिखाती है ये सच्ची कहानी लुइस जम्परीनी साहब की है जो एक एथलीट के साथ साथ यूएस आर्मी में बॉम्बेडियर होते हैं इस फिल्म में जैक कॉर्नल साहब ने लुइस जैम्परिनी साहब की मैजिकल भूमिका निभाई है अनब्रोकन फिल्म को एंजिला जोली द्वारा डायरेक्ट किया है इस फिल्म की असली कहानी सन उन्नीस से शुरू होती है जब लुइस अपने क्रू मेंबर के साथ एक रेस्क्यू मिशन पर जाते हैं और इंजन फेल होने के कारण सब समुन्द्र में गिर जाते हैं उनमें से सिर्फ तीन ही लोग बचते हैं, जिसमें से एक लुईस साहब होते हैं। वहाँ रहते हुए वो खाने के लिए पक्षी व मछली और पानी के लिए बारिश से पूर्ति करते हैं तैतीसवे दिन उसका एक साथी मैक दम तोड़ देता है और सैतालीसवे दिन वो जैपनीज आर्मी द्वारा लिए जाते हैं उन दोनों को जापान आर्मी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उनकी जिंदगी के वो सबसे खौफनाक दिन होते हैं फिर उन्हें टोक्यो शिफ्ट कर दिया जाता है उधर उनका सामना बर्ड से होता है जो वहाँ का हेड होता है बर्ड द्वारा लुई साहब को बहुत सी परेशानियाँ दी जाती है जिसमे कोई भी व्यक्ति अपने आप को मारना पसंद करेगा उन सबको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है वहाँ तो लुई साहब को बर्ड द्वारा जान ही निकाल ली जाती है वो लकड़ी उठाने वाला सीन इस मूवी का सबसे मोटिवेशनल सीन है जहाँ पर लुई साहब बर्ड का घमंड तोड़ देते हैं अंत में अमेरिका अपना वर्चस्ट जापान पर स्थापित कर देता है पैन भी अपने आप को सरेंडर कर देता है लुई साहब अपने घर पहुंच जाते हैं देखिए दोस्तों ये फिल्म हाईली रिकमेंड की जाती है जिसे आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच